ब्लैक पैंथर 2018 में रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही ग्लोबल सेंसेशन बन गई थी और लोगों को इतना पसंद था। ब्लैक पैंथर के जैसा इन्फ्लुएंस कोई भी फिल्म नहीं क्रिएट कर पाई है, बल्कि रिलीज होने के बाद इट्स प्रीमियम एमएस बाय लव रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड। इसके सक्सेस और लोगों का प्यार देखकर टीम ने इसकी सीक्वल बनाने की बात कही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के फिल्मी पिटारे में जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू ब्लैक पैंथर ये है कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली सुपर हीरो फिल्म जिसमें ब्लैक लीड रोल था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी ब्लैक कास्ट थे और यह फिल्म 7 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट थी। फैक्ट नंबर 9। सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फोकस ऑन द रिच वकांडन कल्चर। टीचाला के बिना फिल्म का फोकस लोगों की हिस्ट्री, कस्टम्स और एंसेस्ट्री पर है और इसमें टीचाला के रोल को रिकास्ट नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 8। किंग टीचाला के रूप में चैडविक बोसमैन की रिमार्केबल परफॉर्मेंस ब्लैक पैंथर की पॉपुलरिटी में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। अनफॉर्चुनेटली आवर किंग डाई इन रियल लाइफ। कोलोन कैंसर से जूझने के बाद चैडविक बोसमैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मार्वल्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, जो हुआ हमने उसकी कल्पना भी नहीं की थी, हम थोड़ा वक्त लेंगे इस चैप्टर को हॉनर देने में। यह बहुत ही ट्रॉमेटिक और ड्रेडफुल था। न्यू फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे ट्रिब्यूट टू हिज लेजेसी एज द ब्लैक पैंथर। फैक्ट नंबर 7। सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के राइटर और डायरेक्टर रियान कुगलर हैं, जो फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। रियान बोसमैन के जाने से वह व्यथित थे और उन्होंने टीचाला के रोल को सम्मान देने की बात कही है। फैक्ट नंबर 6। इस सीक्वल के रोल्स में कुछ मेजर और माइनर चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि सेकंड ब्लैक पैंथर कास्ट में उम्मीद की गई थी। हाउएवर, ओरिजिनल मूवी के ज्यादातर कास्ट फिल्म में वापस देखेंगे। सुपर हीरो मूवी के स्पेसिफिक रोल्स जो डाइंग अपियर हुए थे मूवी में री अपियर हुए हैं। फैक्ट नंबर 5। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बावजूद स्क्रिप्ट में लगातार चेंजेस हुए हैं और सीक्वल के लिए कई स्क्रिप्ट थी और हमें मूवी में स्क्रिप्ट की 5 डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 4। रियान कुगलर ने न्यू ब्लैक पैंथर बेस सीरीज क्रिएट करने के लिए डिज्नी प्लस के साथ 5 साल की डील साइन की है। टेनाली गुरिया ने ओकोय का रोल प्ले करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है, जो वकांडा आर्म फोर्स के हेड होंगे। फैक्ट नंबर 3। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी का पूरा फोकस मार्वल कॉमिक बुक्स के 2 पॉपुलर नेशंस वकांडा अटलांटिस की मेजर स्ट्रगल पर है। नॉर्मन एस किंग ऑफ अटलांटिस का बर्थ पानी के अंदर देखने को मिला और उनकी मैसिव व्हेल के साथ राइड भी देखी गई। फैक्ट नंबर 2। फिल्म में सीन शोइंग अब कैंडिया मूरल ऑफ टी चैला के ट्रिब्यूट का दृश्य उनके फैंस को भावुक कर देता है। बोसमैन की डेट 2020 में 43 साल की उम्र में कोलोन कैंसर से हुई थी। उनको सम्मान देने के लिए मेकर्स ने डिसाइड किया है कि उनके रोल को रिकास्ट नहीं किया जाएगा। फैक्ट नंबर 1। ब्लैक पैंथर का ब्यूटीफुल और जॉ ड्रॉपिंग आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस अफ्रीका के कल्चर से है। फिल्म जो ट्रेडिशन फॉलो करती है वह मेसोअमेरिका के कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। नामोर को एस गॉड कुकुलकन दिखाया गया है, जो मेसोअमेरिकन मिथोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट गॉड है। नॉर्मन में भी आप फ्रिक्शनल, मगर कुकुलकन एक रियल मिथोलॉजी कैरेक्टर है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।